अस्सलामुअलैकुम निशा की कायनात में आप सबका स्वागत है। गाइज मैंने बहुत दिन से अपलोड वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था, तो मैं अभी डालूँगी। आज हम जा रहे हैं गाइज हमारा हेयर केयर करने, जो कि मेरे हेयर्स पे बहुत दिन से इचिंग हो रही थी। मैंने बहुत कुछ DIY भी ट्राई किया पर सही नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं जो मेरे रेगुलर पार्लर है वहाँ पर जाती हूँ। तो हमने गया वहाँ पर, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसके बाद उन्होंने हमारे स्कैल्प के ट्रीटमेंट किया यहाँ पर और उन अच्छे से स्कैल्प में लगा रहे थे, मुझसे सब पूछ रहे थे। मैंने भी उनको अपना हर एक कंसर्न बताया कि मुझे ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको कम से कम 3 सेशन लेना पड़ेगा तो ये जो भी इन्फेक्शन है और ये वो सही हो जाएगा। तो लगाने के बाद थोड़ा टाइम हमने वेट किया और उसके बाद वॉश करवाया उन्होंने सिंपली प्लेन से। उसके बाद उन्होंने एक और कोई क्रीम लगाया समथिंग या शैम्पू था, उससे वॉश करवाया और एक और बार रिंस कराया। गाइस एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा था, तो उनको मैंने बोला कि ऐसा फील हो रहा है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये बस स्कैल्प क्लीन होता है तो आपको ऐसा लग रहा होगा। पार्लर का वॉश तो गाइज अलग ही होता है, तो इतनी मज़ा आ रही थी और अच्छे से उन्होंने एकदम बाल क्लीन कर दिया था। मेरे हेयर डैमेज हो चुके हैं उन्होंने मुझे बताया थोड़े बहुत, तो मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, मैं हेयर केयर भी कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे। और मैंने स्कैल्प का ट्रीटमेंट लिया यहाँ से, बाकी जो भी हेयर ग्रोथ का है वो सब मैं DIY करती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हो। 2 बार उन्होंने शैम्पू करके मेरा रिंस किया, बिकॉज ये स्कैल्प ट्रीटमेंट है और स्कैल्प क्लीन होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। उसके बाद उन्होंने टवल रैप किया, उसके बाद उन्होंने और एक क्रीम लगाई मेरे स्कैल्प पर। ऐसे उन्होंने कम से कम 4 क्रीम लगाई थी और शैम्पू किया था, तो ये 3री क्रीम है और उन्होंने मेरे स्कैल्प में लगाई। ये भी गाइज मुझे वैसे ही फील हो रहा था एकदम ठंडा ठंडा सा, और उन्होंने लगा के कम से कम 30 मिनट्स तक का मसाज किया और उसके बाद इन्होंने थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया। मैं कॉफ़ी और सब इन्जॉय कर रही थी जब तक का, उसके बाद ये वापस से रिंस करेंगे, तो आप आगे देखते रहो। अब जो हमने लगाया था वो वापस से रिंस हो रहा है, तो गाइज एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और इनका नंबर मैं आपको दे दूँगी स्क्रीन पर, तो आप लोग कॉल कर विज़िट कर सकते हो। और ये बहुत ही अच्छा करते हैं, मैं पर्सनल मैं इनसे ही कराती हूँ, तो आप लोग भी ट्राई करें और मुझे सच कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्पा लिया था, बिकॉज मैं कलर कराने के बाद मेरे हेयर्स बहुत ड्राई हो गए हैं, तो इन्होंने बोला कि आपके स्कैल्प में नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी स्कैल्प ट्रीटमेंट किए हैं, तो लेंथ पर लगा देते हैं क्योंकि आपके हेयर्स आपको लग रहे हैं ड्राई, तो हम एक अच्छा सा स्पा कर देते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक क्रीम लगाया जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था, और हमारे हेयर्स देखना आगे चल के कितने अच्छे इन्होंने जो लगाया था मुझे स्पा की क्रीम, वो भी इन्होंने रिंस कर दिया है और ये नाउ टाइम टू ड्राई, तो वो ड्राई करेंगे अच्छे से, हमारे हेयर को टैंगल्स रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखते हैं। बाल अच्छी तरीके से उन्होंने क्लीन कर दिया, रिंस कर दिया और अभी ड्राई कर रहे हैं, उसके बाद टैंगल रिमूव करेंगे और फिर मैं आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। गाइज आई वॉज जस्ट सरप्राइज, मेरे हेयर्स बहुत अच्छे हो गए।